Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सऊदी शहजादे प्रिंस सुल्तान बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी क़यादत के साथ इलाकाई अमन के खातिर खत्ते में इख्तलाफात खत्म करने पर गुफ्तगू की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की तौसी का नोटिफिकेशन मौतल करते हुए इस केस को अवामी अहमियत का मामला करार देते हुए दरख्वास्त को अस्खुद नोटिस में तब्दील कर दिया। नीदरलैंड की मलका ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। मलका का कहना है कि पाकिस्तान में कारोबार के लिए आसानियां बेहतर हुई हैं, निजी शोबे के लिए कर्जाजात बढ़े हैं। सूबा बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे पर सड़क हादसे में पाकिस्तान बहरिया के अहलकारों समेत 9 अफराद हलाक और 29 जख्मी हो गए। एक आमिर के खिलाफ फैसला आने वाला है जिससे जमहूरियत मजबूत होगी। बिलावल कहते हैं कि इमरान खान भगोड़े और गद्दार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कि इमरान नियाजी साहब की हुकूमत इस बलगोरा गद्दार आमिर को बचाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की खसूसी अदालत के फैसले को महफूज करने के खिलाफ दरख्वास्त काबिले समाअत करार दे दी। वजारत दाखिला से तफसीली जवाब भी तलब कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान से। सऊदी अरब के 3 रुकनी आला सतह के वफद की मुलाकात हुई। वफद की क्यादत सऊदी शहजादे प्रिंस सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान और सऊदी शहजादे प्रिंस सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की मुलाकात हुई। वजीर आजम इमरान खान से सऊदी अरब के 3 रुकनी आला सतह के वफद की मुलाकात हुई। वफद की क्यादत सऊदी शहजादे प्रिंस सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने की। मुलाकात वजीर आजम ऑफिस में हुई जिसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी खारजा और वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी खुसरो बख्तियार भी मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़िश्ता माह सऊदी अरब
का दौरा भी किया था, जहां उन्होंने सऊदी फरमानरवा खादिम हरमैन शरफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वली हैद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें की थी। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में अमन और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी क्यादत के साथ इलाकाई अमन की खातिर खित्ते में इख्तलाफात खत्म करने पर गुफ्तगू की और तनाजात के सियासी और सफारतकारी के जरिए हल पर जोर दिया था। वजीर आजम ने शाह सलमान को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह किया था। कुछ बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का हुक्म मौतल कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का हुक्म मौतल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। अदालत ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि केस वापस लेने के लिए हाथ से लिखी दरख्वास्त के साथ कोई बयान हल्फी नहीं, मालूम नहीं मुकदमा आजादाना तौर पर वापस लिया जा रहा है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ रिटायर्ड हो रहे हैं। उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जारी हो चुका। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर की मंजूरी और नोटिफिकेशन दिखाएं। अटॉर्नी जनरल ने दस्तावेजात और वजीर आजम की सदर को सिफारिश अदालत में पेश की। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आजम को आर्मी चीफ तैनात करने का अख्तियार नहीं, आर्मी चीफ तैनात करने का अख्तियार सदर का है। ये क्या हुआ, पहले वजीर आजम ने तौसी का लेटर जारी कर दिया था, फिर वजीर आजम को बताया गया तौसी आप नहीं कर सकते। आर्मी चीफ की तौसी का नोटिफिकेशन 19 अगस्त का है। 19 अगस्त को नोटिफिकेशन हुआ तो वजीर आजम ने किया, 21 अगस्त को मंजूरी दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि काबीना की मंजूरी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने कहा क्या सदर मुमलिकत ने काबीना की मंजूरी से पहले ही तौसी की मंजूरी दी और क्या काबीना की मंजूरी के बाद सदर ने दोबारा मंजूरी दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आईन में आर्मी चीफ की दोबारा तकरूरी का इख्तियार कहाँ है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्मी चीफ की तौसी का इख्तियार वफाकी काबीना का है। चीफ जस्टिस ने कहा कि समरी में तौसी लिखा गया जबकि नोटिफिकेशन में आर्मी चीफ का दोबारा तकरूर कर दिया गया। कवायद में आर्मी चीफ की तौसी या दोबारा तकरूरी का इख्तियार नहीं, हुकूमत सिर्फ रिटायरमेंट को मौतल कर सकती है। आर्मी चीफ की रिटायरमेंट अभी हुई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की तौसी का नोटिफिकेशन मौतल करते हुए इस केस को अवामी अहमियत का मामला करार देते हुए दरख्वास्त को अस्खुद नोटिस में तब्दील कर दिया। अदालत ने आर्मी चीफ समेत मुतलका फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि 19 अगस्त को जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी की गई थी। वजीर आजम ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने मौजूदा मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। कुछ बात कर लेते हैं। नैदरलैंड की मलका ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाली, समाजी और मौशी तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हॉलैंड की मलका मैक्सिमा ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबार के लिए आसानियां बेहतर हुई हैं, निजी शोबे के लिए कर्जाजात बढ़े हैं। तफसीलात के मुताबिक हॉलैंड की मलका मैक्सिमा ने एशियाई तरक्याती बैंक की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि खवातीन गरीब तबके के लिए कर्जाजात बढ़ाना ज्यादा अहम है। हॉलैंड की मलका मैक्सिमा ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबार के लिए आसानियां बेहतर हुई हैं, पाकिस्तान में निजी शोबे के लिए कर्जाजात बढ़े हैं। नैदरलैंड की मलका ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की थी। मुलाकात में पाकिस्तान के इकतसादी बहाली, समाजी और मौशी तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। मलका मैक्सिमा ने पुर्तपाक खैर मकदम पर वजीर खारजा का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान में देर पर इक्तिसादी तरक्की के लिए ताबुन की यकीन दहानी कराई थी। मलका मैक्सिमा अक़वामे मुत्तहिदा के खुसूसी तर्जुमान बराए मालियाती तरक्की की हैसियत से पाकिस्तान का दौरा कर रही है। मलका के दौरे का मकसद पाकिस्तान के लिए मालियाती तरक्की, कर्जों की फरहमी और इससे मुतालिक दीगर मनसूबों पर बातचीत और मजीद आसानियाँ पैदा करना है। कुछ बात कर लेते हैं। सूबा बलूचिस्तान में मकर कोस्टल हाईवे पर सड़क हादसे में पाकिस्तान बहरिया के अहलकारों समेत 9 अफराद हलाक और 29 जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तौर पर तिब्बी इमदाद के बाद कराची मुंतकिल किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूबा बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे पर सड़क हादसे में पाकिस्तान बहरिया के अहलकारों समेत 9 अफराद हलाक और 29 जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद कराची मुंतकिल किया गया। लेवीज हुकाम के मुताबिक हादसा कराची से तकरीबन 270 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के जिला लसबेला की हदूद
وجود میں مکران کوسٹل ہائی وے پر بڑی ٹاپ کے مقام پر پیش آیا، جہاں اوماڑہ سے کراچی کی طرف جانے والی مسافر بس گہری کھائی میں جا گری۔ اسسٹنٹ کمشنر بیلا جمیل بلوچ کے مطابق بس میں سوار تمام 38 افراد پاک بحری کے اہلکار اور ان کے اہل خانہ تھے، جو چھٹیاں ملنے کے بعد گوادر کے علاقے اوماڑہ میں قائم بحریہ کے اڈے سے کراچی جا رہے تھے۔ جمیل بلوچ نے بتایا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پاک فوج، پاک بحریہ، کوسٹ گارڈ، ضلع انتظامیہ اور لیویز فورس کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اوماڑہ میں قائم بحریہ کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ لاہور سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتایا، لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے تفصیلی جواب طلب کر لیا اور پرویز مشرف کیس کی سماعت کرنے والے خصوصی عدالت کی تشکیل کی سمری بھی طلب کر لی۔ عدالت نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا۔ تفصیلات مطابق لاہور ہائی کورٹ میں پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نے کہا کہ خبر ہے اسلام آباد میں بھی درخواست دائر ہوئی ہے۔ خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ وزارت داخلہ نے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ نظر ثانی کی درخواست آپ کیوں نہیں دائر کرتے، سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کو ہدایات دے رکھی ہیں۔ خواجہ طارق رحیم نے کہا جب پرویز مشرف آئیں گے سب سے پہلے ٹریبیونل کے فیصلے کا سامنا کریں گے۔ عدالت نے کہا کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اسے سارا قانون آتا ہے تو وہ بڑی غلط فہمی میں ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ قانون مسلسل پڑھنے سے آتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر نئے نئے کیسز آتے ہیں۔ کیا پرویز مشرف عدالت کی اجازت سے بیرون ملک گئے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے تفصیلی جواب طلب کر لیا اور پرویز مشرف کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کی سمری بھی طلب کر لی۔ عدالت نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا۔ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان بھگوڑے اور غدار کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مشرف کیس کے فیصلے سے ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان بھگوڑے اور غدار کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مشرف کیس کے فیصلے سے ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی۔ اسلام آباد میں پیمس اسپتال کے باہر گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ تمام پاکستانیوں کو نیا قانون ہونا چاہیے۔ ایک طرف ایک بھگوڑے اور غدار کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے اور چیف جسٹس نے بتایا کہ اس کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، لیکن اب حکومت اس بھگوڑے غدار کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ کی تعریف کے لیے ایک اہم اپرچونیٹی ہے اور سارے کے سارے پاکستانی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک بھگوڑا غدار کا ایک ٹرائل چل رہا ہے۔ ہمارا چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جلد آنے والا ہے، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ عمران نیازی صاحب کی حکومت اس بلغورا غدار عامر کو بچانے کے لیے پورا کوشش کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امتحان ہمارے عدالت اس پہ پورے اترے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ ویسے ہی آئے گا جیسا کہ چیف جسٹس نے کہا ہے۔ ملک کو عوامی خواہشات کے خلاف نہیں چلایا جا سکتا۔ پرویز مشرف کیس عدلیہ کی تاریخ کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ سنا ہے کہ عمران خان بھگوڑے اور غدار کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مشرف کیس کے فیصلے سے ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ امید ہے کہ ایک عامر کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے جس سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کی طبیعت خراب ہے اور اس کے باوجود وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ آصف زرداری نہ بکیں گے نہ جھکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو عدالتوں سے انصاف کی امید ہے۔ آصف زرداری کا کیس کس صوبے میں چلنا ہے اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ سندھ میں بننے والا مقدمہ راولپنڈی میں چلایا جا رہا ہے۔ مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔
Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. Bhai umma ke mahabzon ne bahut si investments kar rakhi hai wahan. Aage wo log aapke liye haar leke nahi khade. Jab tak inshaallah unko azadi nahi milegi hum unke sath khade rahenge. Do not live in a fool's paradise. Bushra Khan, Sara Ali, Kokab Farooqui, Zulfiqar, Tuba Shakil, Tag TV Pakistan.